वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालन सर। मैं आपका अपना सर अनुपम सर डियर बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करेंगे अपनी धुआंधार क्लास को, अपने धुआंधार सेशन को, और सभी लोग फटाफट अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते चलें और तैयारी को एक नई उड़ान दें। ठीक है, कल मैंने इस 13 तक नियम बता दिया था, पार्ट वन और पार्ट टू आपके पास चला गया है। मात्र 10-10 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट्स को आप अवश्य देखें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और मैं लेकर चलूंगा आपको रूल नंबर 14 की तरफ। फटाफट आपको एक एक पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके का मिलेगा और उस पॉइंट्स को तैयार करके आप तभी एग्जाम देने जाएं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपको पंक्चुएशन मार्क का उपयोग। ठीक है ना, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग। ठीक है, सबसे पहले मुझे बात करना है फुल स्टॉप का प्रयोग। किसका मैं बात मुझे बात करना है आज मुझे बात करना है फुल स्टॉप का प्रयोग। तो यहाँ पर आपके पास साफ साफ फुल स्टॉप दिया गया है और साफ साफ आपको फुल स्टॉप का चिन्ह दिया गया है। ठीक है ना, दोनों चीज़ आपके पास एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अच्छा आगे मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, जैसे इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अतिरिक्त सभी प्रकार के सेंटेंसेज के अंत में फुल स्टॉप लगता है। अब चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी के अतिरिक्त, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके कौन कौन सा, एक इंट्रोगेटिव है और दूसरा एक्सक्लेमेटरी है। क्यों क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है ना, कि अतिरिक्त सभी प्रकार के सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है। चाहे वह वाक्य समान स्टेटमेंट हो, क्या हो, चाहे वह वाक्य सामान्य स्टेटमेंट हो या कमांड हो या सेंटेंस के मध्य में कोई प्रश्न या इनडायरेक्ट प्रश्न हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे किसकी बात किया, वो किसकी बात, बर्रे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वास्प, इसकी बात कर लिया स्टेटमेंट की। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला क्या बोला है, डू नॉट ओपन द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे वो कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है, डू नॉट ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलो। ठीक है ना, ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलो। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स में फुल स्टॉप का प्रयोग था। पहला प्रयोग आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सभी लोग कमेंट्स करेंगे धुआंधार, सभी लोग कमेंट्स करिए, फटाफट शुरू करिए सभी लोग। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ, एक विशेष सूचना, फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दें और आगे बढ़ा दें और लोगों को शेयर कर दें। शेयर करिए, आज सभी लोग शेयर करिए फटाफट ग्रुप्स वगैरह में, और लोग को बुलाइए। ठीक है, लगभग सभी लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ सभी लोग शेयर करिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ लोग का कमेंट्स आने लगा। चलिए क्लियर है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया सा। ठीक है, चलिए एक आप स्क्रीनशॉट करिए प्लीज। ठीक है, और एक विशेष सूचना, माय टीचर से रिलेटेड 7 एस्से का जो लिंक है, ठीक है, वो उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या दिया है, कॉमा का प्रयोग। अब मैं बात करूँगा आपसे कॉमा का प्रयोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसकी मुझे बात करना है, अब मुझे बात करना है कॉमा का प्रयोग। ठीक है, अच्छा चलिए मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले पहला सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या अधिक, ठीक है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या अधिक शब्द आते हैं, तो इन शब्दों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। किसका, कॉमा का प्रयोग। अंतिम शब्द से पहले यदि एंड का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ कॉमा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे तीन सेंटेंस, तीन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो तीन में दो के बीच कॉमा लगेगा और तीसरा वाला एंड से हम जोड़ते हैं ना, जैसे रीता सुनीता एंड राधा। ठीक है ना, तो रीता कामा सुनीता एंड राधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम कामा श्याम एंड सोहन, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे और अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे सी परचेस्ड एन इरेजर, ठीक है, ठीक है, ए पेन, इरेजर एंड, इरेजर और पेन के बीच में कॉमा लगा है, एंड सम कॉपीज, तीन चीज रहेगा तो दो के बीच में कॉमा लगेगा और तीसरे वाले को एंड से जोड़ते हैं। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, सी इज ए डेडिकेटेड, ठीक है, सिंसियर एंड ऑनेस्ट बॉय, एंड क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट बॉय। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लीज सभी लोग बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सुपर तरीका, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे हम। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सभी लोग बताइए, कमेंट्स करिए, क्लियर है, क्लियर है, पूरा सेंटेंस क्लियर है, पूरा जितना मैंने बताया, कॉमा का प्रयोग, फुल स्टॉप का मैंने बता दिया, कॉमा का मैंने बता दिया। ठीक है, सभी लोग बताइए क्लियर है, प्लीज कमेंट्स करेंगे आप लोग। चलिए क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे,
लेकिन इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे यहां पे क्या दिया है, ठीक है, यहां पे आगे का रूल देखिए। वाक्य के शुरू में आने वाले एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज के बाद भी कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे क्या दिया है, टेक्निकली, ठीक है, तो द स्कीम इज क्वाइट फिजिबल। क्वाइट क्या, फिजिबल, टेक्निकली द स्कीम इज क्वाइट फिजिबल। अच्छा, सेकंड वाला क्या दिया है, प्लीज्ड। बगुला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टॉर्क। प्लीज्ड विथ द रिजल्ट सी कॉल्ड ए प्लेस कॉन्फ्रेंस, सी कॉल्ड ए, तो यहां पे देखिए प्लीज्ड विद द, यहां पे क्या लिखा है, प्लीज्ड विद द रिजल्ट, इस पर क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, सी कॉल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एडजेक्टिव, और ये एट यहाँ टेक्निकली है, द स्कीम इज क्वाइट फिजिबल। तो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, पार्टिसिपल हो या पार्टिसिपल फ्रेज हो, इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए सभी लोग स्क्रीन शॉट करेंगे, सभी लोग फटाफट जितने भी लोग हैं प्लीज, चलिए सभी लोग स्क्रीन शॉट करिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आगे की तरफ बढ़ें, क्लियर है सभी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए कॉमा का प्रयोग क्या दिया है, आगे दिया है यहां पे कॉमा का प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद, क्या क्या दिया है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद, जैसे अनिल कम हियर एंड स्टैंड अप, ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किसी का नाम लेकर के एड्रेस बताया, जैसे अनिल कम हियर, यहां आओ, एंड स्टैंड अप, तो यहां पे कॉमा लगाया, नॉमिनेटिव एड्रेस के बाद तुरंत लगाया ना, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कोई समूह समारोह होता है, कोई समूह होता है, तो उसमें बोलते नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जब उसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, मतलब किसी को नाम लेकर के नॉमिनेटिव किया गया, ठीक है, तो उसके बाद कॉमा लगता है, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है, मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। तो यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन या किसी का नॉमिनेटिव होता है तो उसके एड्रेस के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। क्लियर है सभी लोग, प्लीज क्लियर है, तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, सभी लोग कमेंट्स करिए क्लियर है, प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, अगर चैनल पे आज भी अभी भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि तैयारी तक आपको इसी तरीके के कॉन्टेंट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे यहाँ क्या दिया है, नॉमिनेटिव, यहाँ क्या दिया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, किसके बाद, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, जैसे मैं अगर बात करूँ, इट बीइंग वेरी फाइन, इट बीइंग क्या दिया है, यहां पे दिया है इट बीइंग वेरी फाइन, आगे क्या दिया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इट बीइंग वेरी फाइन, आई स्टार्टेड ऑन ए जर्नी, मतलब इट बीइंग वेरी फाइन ये बहुत अच्छा होगा, आई स्टार्टेड ऑन ए जर्नी, मैं एक यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ, द फेयर प्राइस शॉप बीइंग क्लोज्ड, ठीक है ना, मतलब फेयर प्राइस, मतलब जो अच्छा मूल्य था, शॉप बीइंग क्लोज, बंद कर दिया है, द कंज्यूमर्स असेंबल्ड बिफोर इट, और कंज्यूमर्स मतलब उनके ग्राहक जो है असेंबल्ड बिफोर इट, इसके लिए क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है ना, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद भी कामा लगता है, ठीक है ना, एक तरीके से आप जान लीजिए, जहाँ पे दो सेंटेंस होता है वहाँ पे एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस बीच में एक कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है ना, प्लीज कन्फर्म कर लीजिए, प्लीज स्क्रीन शॉट कर लीजिए, प्लीज जितने भी लोग हैं प्लीज स्क्रीन शॉट कर दें, चलिए बहुत अच्छा, चलिए क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेजेज इन अपोजिशन, यहाँ क्या दिया है, यहाँ बोला है फ्रेज इन अपोजिशन को दर्शाने के लिए, ठीक है, फ्रेज इन अपोजिशन, जैसे फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, पहला देखिए, कबीर ए ग्रेट हिंदी पोएट, ठीक है, वाज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है ना, तो फ्रेज इन अपोजिशन मतलब जो एक दूसरे को बताता है, जैसे कबीर, कबीर के बारे में फिर बताया, ए ग्रेट हिंदी पोएट फिर बताया, वाज आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, तो ये तीनों चीज के बीच में कॉमा इसलिए लगा क्योंकि वो अपोजिशन कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, एक दूसरे को विरोध में दर्शा रहा है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश एसिएस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना, ग्रेट इंग्लिश एसिएस्ट वाज ब्लाइंड, वाज क्या है, ब्लाइंड है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लीज क्लियर करेंगे सभी लोग, क्लियर करेंगे जितने भी लोग हैं प्लीज, सभी लोग क्लियर करेंगे, सभी लोग स्क्रीन शॉट्स वगैरह लेंगे, चलिए प्लीज जितने भी लोग हैं। सोखता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। क्लियर है सभी का, प्लीज स्क्रीन शॉट्स कर लें, प्लीज जितने भी लोग स्क्रीन शॉट्स कर लें, प्लीज जितने भी लोग हैं, चलिए
तो यहाँ तक क्लियर है आपको, हम यहीं तक क्लास रखेंगे, डेली 10 मिनट क्लास आपको देंगे, जिससे आप अधिक से अधिक वीडियोस को देख सकें, पूरा चला करके देख सकें, ठीक है। छोटी वीडियो रहेगी, आप आराम से कभी भी चला करके ढेर सारी तैयारियां कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दें और डेली तैयार करें, और डेली जितना मैं दे रहा हूँ डेली तैयार करते रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छा होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और बेस्ट तैयारी करिए। चलेंगे, चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, और सभी को थैंक यू, आपने बहुत सपोर्ट दिया है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।